हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज मैं आपके साथ एक न्यू यूनिक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ ट्राउज़र का, जो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आपने पहले ही देख लिया होगा कि डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ जो रेड बटन है उसे ज़रूर दबा दें। पहले आपने पट्टी लेनी है, आधे इंच की या एक इंच की चौड़ी पट्टी ले लीजिए और ढाई ढाई इंच की उसकी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद एक पेपर पे मैंने डेढ़ इंच चौड़ाई रखी है। उसके बाद जो जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा वैसे ही पट्टी ज्वाइन कर देनी है। ध्यान रहे पट्टी अलग अलग ना लगे, पट्टी बिल्कुल ज्वाइन करके लगानी है एक साथ। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगानी है। सो हमारी जो पट्टी है वो लग के रेडी हो चुकी है। उसके बाद दोनों साइड आपको सिलाई लगा लेनी है, जो आपकी पट्टी है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना सरके एकदम जगह पे बिल्कुल ठीक बनी रहे। आप देख सकते हैं जो हमारी पट्टी है वो लग के रेडी हो गई है। उसके बाद अब जो आपका ट्राउज़र का कपड़ा है, जो आपने पैंट सिल रखे है, उसके बाद आधे आधे इंच की चौड़ाई से आपको तीन लेयर बनानी है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। अगर आपको नहीं आती तो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है आप ऐसे बना सकते हैं। जो सिलाई है बिल्कुल बारीकी से सिलाई लगाएं, बिल्कुल आधे पैर से भी कम कपड़ा लें, तब आपका ये डिज़ाइन रेडी होगा बन के। सो आपको ऐसे ही डिज़ाइन बनाने हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा ऐसे आपको थ्री लेयर लेनी है। आप चाहो तो फोर ले सकते हो, वन भी ले सकते हो, टू भी ले सकते हो, बट जो कॉम्बिनेशन होता है वो थ्री में ज़्यादा अच्छा लगता है, थ्री का कॉम्बिनेशन। सो मैंने यहाँ थ्री लेयर ले ली हैं। आप देख सकते हैं जो लेयर हैं उन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। जैसा आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को स्किप मत करना, फुल देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और तभी आप ऐसा डिज़ाइन बना पाओगे। सो यहाँ मेरी जो लेयर हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो आपने पट्टी कपड़ा था जो हमारा, उसके बाद अब मैं वो लगाऊंगी। आपको भी वही कपड़ा ज्वाइन करना जो आपने डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हो अब ज्वाइन करके ये मैं कपड़ा ज्वाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हो वैसे ही आपको ज्वाइन करना है, जो आपने सिलाई लगाई थी बिल्कुल सिलाई पर ही लगानी है, ताकि आपका जो डेढ़ इंच का वो चौड़ाई है वो डिज़ाइन बन सके डेढ़ इंच की। उसके बाद आप देख सकते हो पट्टी लग के रेडी हो गई है। उसके बाद आप जो पट्टी के साइड का कपड़ा है, जो किनारी है, उस पर सिलाई लगा लेना जैसे मैं लगा रही हूँ, जिससे जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाती है। सो हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है। उसके बाद आपको जो नीचे का पार्ट है, नीचे का कपड़ा है, और आपको नीचे भी जैसे ऊपर ना आपने थ्री लेयर डाल ली थी वैसे आपको नीचे के कपड़े में थ्री लेयर डालनी है। आप इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, नीचे का आपको जितना चौड़ा डिज़ाइन चाहिए। सो उसके बाद जैसे आपने ऊपर का कपड़ा ज्वाइन करा था वैसे हम इसे ज्वाइन करेंगे। आप भी इसे ज्वाइन करना जैसे आप बना रहे हो डिज़ाइन। सो आप देख सकते हो मैं सिलाई लगा रही हूँ, बट सिलाई इतनी लगाना जितनी चौड़ी आपने ऊपर से लगाई है उतनी ही चौड़ी आपको नीचे लगानी है। जितना चौड़ा कपड़ा आपका ऊपर बचे उतना चौड़ा कपड़ा आपका नीचे भी बचना चाहिए। सो जो हमारी सिलाई है वो लग रही है, आप देख सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़रूर 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 कर दें। रेड बटन है उसे ज़रूर दबा दें। उसके बाद जैसे आपने वहाँ सिलाई लगाई थी यहाँ भी आपको किनारी पर सिलाई लगानी है, जिससे हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ सके। अब आपकी अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो नहीं मत लगाओ, बट अगर आप सिलाई लगाओगे उससे ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, जो आपका पैंट ट्राउज़र का डिज़ाइन है उससे ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम उसे कटिंग कर देंगे उसकी। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद जब हम डिज़ाइन बनाएंगे अब हमने क्या लेनी है, एक नीडल लेनी है। नीडल में मैंने थ्रेड ऑलरेडी डाल रखा है। उसके बाद कपड़े को जैसा आपको दिख रहा है, जैसे मैं कपड़े के अंदर ले रही हूँ वैसे ही आपको लेना है कपड़े के अंदर। और उसके बाद आप इस पर मोती लगा सकते हो या आप ऐसे करके नग भी चिपका सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने यहाँ बीट्स लिए हैं, छोटे वाले बीट्स जो मोती होते हैं वो लिए हैं मैंने यहाँ। और उसके बाद जब हमारा पहले आपको इसे पक्का करना है डिज़ाइन, उसके बाद आप बीट्स से जो मोती है
उसे धागा थ्रेड में डाल लेंगे और डिज़ाइन में अटैच कर देंगे। सो उसके बाद आप देख सकते हो जैसा आपने यहाँ करे हैं वैसे ही आपको सब पे करना है, जितने भी आपकी जो पट्टी हैं सब पे आपको ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है। बट याद रहे डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाएं, ज़रा भी जल्दबाजी ना करें। सो आप देख सकते हो वैसे ही आपको सब कर लेना, मैंने सारे ऑलरेडी कर दिए। सो आप देख सकते हो ऐसा लुक आएगा आपके ट्राउज़र के डिज़ाइन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट ज़रूर।